अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं ईटेक ऑनलाइन। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर गैस गीज़र में अगर आपकी पायलट रॉड वो ख़राब हो जाए या मैग्नेटिक सेल जो होता है वहां पे अगर वो ख़राब हो जाए तो इसका कैसे पता चलेगा कि सेल ख़राब है या पायलट रॉड ख़राब है। यह है पायलट रॉड, यह है मैग्नेटिक सेल, ये भी पायलट रॉड है। अब ये एक नई है और एक पुरानी है। तो ये सेल वही है जो मेरे पास पहले लगा हुआ था। तो अब मैं जो है आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि जो है कैसे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि सेल ख़राब है या पायलट रॉड ख़राब है। उसके लिए एक तो चीज़ लाजमी होनी चाहिए, आपके पास दूसरा सेल होना चाहिए और आपके पास पायलट रॉड होनी चाहिए, कोई एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद चेक करने के बाद आप अगर एक चीज़ ख़राब है तो वो चीज़ रिप्लेस करके आप खर्चा बचा सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ अगर सही है तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से या पायलट रॉड या मैग्नेटिक सेल, या हो सकता है दोनों ख़राब हो, लेकिन ये चेक करने के लिए हमारे पास एक मैग्नेटिक सेल और पायलट रॉड होनी चाहिए। दोस्तों, उसके लिए हमें एक चाहिए सेल जो सही होना चाहिए, ठीक है, ख़राब सेल नहीं होना चाहिए, चाहे डबल ए हो या ट्रिपल ए जो है पेंसिल सेल जिसे कहते हैं। अब तरीका ये है, ये सेल है, इसमें पायलट रॉड ऐसे लगेगी, जो पतली जो है पतली पिन, एक थोड़ी मोटी होती है और एक पतली साइड होती है। जो स्लिप साइड है उसको हम पहले इसके अंदर ऐसे दाखिल करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे घुमा देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर एक आपको निशान नजर आएगा, उस निशान के साथ इसको मिलाना चाहिए। उसके बाद इसको ऐसे घुमा के ये टाइट हो गया, अब ये इसके साथ ये फिट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये लेना है सेल और इसको जो ये साइड है इस पे यहां पे नीचे रख देना है, इसको ऐसे प्रेस करके। अब दोबारा देख ले, ये साइड जो है इस पे हमने सेल को ऐसे नेगेटिव साइड उसकी नीचे रख देनी है, और ये जो सेल का ये हिस्सा है अब इसको रॉड के साथ तो हमने लगा लिया है, अब ये जो हिस्सा है इसको हम इसके साथ इसे प्रेस करके, एक सेकेंड, हाँ अब आ गई, करीब आ गया, ये रॉड मुड़ जाती है आराम से, इसको ऐसे करके रखेंगे, ये हमने लगा दिया, अब इसको ऐसे पुश करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये रुक गया है यहाँ पे, तो जैसे ही सेल से हटाऊंगा, जो बैटरी सेल हमने चेक करने के लिए इसको नीचे रखा हुआ है, जैसे ही इसको हटाऊंगा ऊपर करूंगा तो ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे। अब दोबारा से एक दफा करता हूं, ये बैटरी सेल जो है ये नीचे की साइड पे ऐसे प्रेस करके रखें इसके साथ, और जो इसका ये ऊपर है थ्रेड चूड़ी वाली साइड उसको आप इसके साथ प्रेस करें और इसको ऐसे कर दें। अब ये अपना मैग्नेटिक सेल जो है जो गीजर में लगता है ये सही है, क्योंकि जैसे इसको प्रेस किया तो ये रुक गया अपनी जगह पे। अब इसको हटाऊंगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया। तो ये एक सिंपल तरीका है, अगर आपने चेक करना है कि आपका मैग्नेटिक सेल है वो ख़राब है या आपकी पायलट रॉड ख़राब है, इसके लिए आपके पास या तो एक नया सेल होना चाहिए या तो एक पायलट रॉड न्यू होनी चाहिए, या तो दोनों होनी चाहिए, फिर जो आप जो है वो सही हो आप वो यूज़ करें, जो चीज़ ख़राब हो उसको रिप्लेस करें, दूसरी चीज़ आप शॉपकीपर को वापस कर दें। और नॉर्मली तो जो लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ पे लगाने के बाद दूसरी साइड से उसको लाइटर से चेक करते हैं। अब जब मिसाल के तौर पर आपकी पायलट रॉड ख़राब नहीं है, आप शॉपकीपर से लेके आ गए, आपने इसको लाइटर के साथ या माचिस की तीली लगा के इसको आपने चेक किया है कि ये सही है या नहीं है, तो वो ख़राब हो जाएगी आपकी पायलट रॉड, फिर वो शॉपकीपर आपसे वापस नहीं लेगा, वो आप
रख लें, आपके पास 6 महीने बाद 1 साल बाद आपको जब सीजन में काम आए तो फिर आप रख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि चीज़ ख़राब ना हो और चेक भी हो जाए तो ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। अब मैं यही तरीका जो है आपको ये पायलट रड दूसरी जगह कर देता हूँ, ये जो प्रीवियस जो ख़राब है मेरे पास, अब मैं उसके साथ इसको लगाता हूँ और यही टेस्ट मैं इसके साथ करता हूँ। अब ये आ गया यहाँ पे सेम वही तरीका, और इसको हम करते हैं, ये मैं यहाँ पे इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये नहीं रुक रहा, ये वापस आ रहा है, हालांकि मैंने उस सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जो आपका मैग्नेटिक सेल है गीजर का ये सही है, और ये जो पायलट रॉड है प्रीवियस ये खराब हो चुकी है, और ये जो नई है ये सही है। आपके पास मैग्नेटिक सेल और पायलट रॉड दोनों होने चाहिए, या कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आपकी जो है वो पायलट रॉड ख़राब है या मैग्नेटिक सेल ख़राब है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी बात कि किस इजी तरीके से आसान तरीके से हम चेक कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये रिप्लेस करना भी बताऊँगा कि किस तरीके से निकाल सकते हैं और इसको ईजिली हम खुद ही जो है वो लगा सकते हैं गीजर के अंदर। किसी टेक्नीशियन की प्लम्बर को बुलाने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ी एफर्ट करेंगे, थोड़ी नोहाव है आपके पास तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, इंशाल्लाह आपको काम आएगी आगे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर से कहूँगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।